नहीं, मैं नहीं समझता अभी हार स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि एकदम नेक टू नेक है। मुझे चुनाव देखकर मध्य प्रदेश के चुनाव की मतगणना का समय ध्यान आ रहा है, बिल्कुल ऐसे नेक टू नेक था। पर क्योंकि 15 साल की सरकार वहां पर भी थी, 15 साल की सरकार यहां पर भी है, तो थोड़ा सा एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 150 से ऊपर सीट आएगी, पर उतनी सीट नहीं आ पा रही ऐसा लग रहा है रुझान से। पर ऐसा लगता है कि सरकार भारतीय एनडीए की बन जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी आपके हाथ से निकल गया था सर, एंटी इनकम्बेंसी आप बोल रहे हैं सर, एक बार आऊंगी उस पर, जरा ये बताइए कि नीतीश के साथ जाना भारी पड़ गया, ऐसा कहीं मन में पीछे परेशान तो कर रही होगी बात? कैलाश जी, आप तो ईमानदारी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि हमारी जो पार्टी की एक विशेषता रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, क्योंकि हमने जब जिसको वचन दे दिया उसके बाद फिर हार जीत की चिंता नहीं, और ये तो चलता है, हार और जीत चलती है। पर सवाल ये है कि हमारा गठबंधन काफ़ी अच्छा और पुराना है नीतीश जी से, और इसलिए हमें नहीं लगता कि नीतीश जी के साथ में आने से हमें कोई, आप ही ने एंटी इनकम्बेंसी बोला, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। आपने बोला एंटी इनकम्बेंसी लगता है था, तो देखिए इनकम्बेंट वो जरूर थे, लेकिन आप लगातार उनके साथ तो शासन में रहे नहीं थे, 18 महीने उन्होंने आरजेडी के साथ भी शासन किया था जी। कभी कभी व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है, कभी कभी सरकार के खिलाफ होता है। इस रुझान से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी रहा होगा, क्योंकि हम जो सोच रहे थे परिणाम वैसे नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि सरकार के करीब एनडीए पहुंच जाएगी, क्योंकि पीछे जिस प्रकार हम लोग फीडबैक ले रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम लोग सरकार के करीब पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कैलाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर एक बहुत बड़ी बढ़त, मतलब आप लोग सहयोगी हैं, बराबरी पर इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन बीजेपी कहीं ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या अगर नीतीश का ये बैकिंग नहीं रहता। देखिए फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, रुझान एक बार फिर से बड़ा उलटफेर, और सिर्फ एनडीए 2 सीटों पर पीछे, आरजेडी से चली है, आरजेडी 109 पर, एनडीए 107 पर, यानी कि कांटे की टक्कर एनडीए और यहां पर महागठबंधन के बीच में देखने को मिल रहा है। अन्य 18 पर आरजेडी की 71 पर अपनी लीड बढ़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी 27 पर आ गई, शुरुआत में वो काफी ज्यादा आ गई, जेडीयू 38 पर जबकि बीजेपी 62 पर, जेडीयू 38 पर बीजेपी 62 पर। इसीलिए सवाल मेरा आपसे सीधे कैलाश विजयवर्गीय जी ये है, अगर भारतीय जनता पार्टी की ये परफॉर्मेंस, जेडीयू आपसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है उसके बावजूद आज आप कमाल कर रहे हैं, तो अगर उनका बैगेज साथ में नहीं रहता तो क्या इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन में रहती आपकी पार्टी? शाम को जब पूरा परिणाम आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस जरूर करेंगे, पर अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जेडीयू भी अगर उतना ही अच्छा परफॉर्म करती तो शायद हम जो आंकड़ा हमने सोचा था। कैलाश जी लगता है आप लकी साबित हो रहे हैं, देखिए बारे में जरूर हम बात, आपके बैठते ही 107 एनडीए और आरजेडी 110, फासला सिर्फ 3 का रह गया है। वो भी देखिए शाम तक शायद दूर हो जाएगा, शाम तक सरकार एनडीए की ही बनेगी ऐसा मुझे लगता है। कैलाश जी मध्य प्रदेश का क्या हाल है वो तो बता दीजिए, आपका अपना इलाका वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ सब दूर भारतीय जनता पार्टी आगे है, और लगभग 28 में से 18 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं, सुबह से तो बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा था बिहार में, पटना में, हमारे सहयोगी रोहित सिंह वहाँ पर मौजूद है, हम चाहते हैं जरा आप भी देखें वहाँ इस वक्त की तस्वीर क्या है। रोहित सिंह बताइए, अभी कुछ माहौल बदला कि नहीं बीजेपी दफ्तर में? जी बिल्कुल रोहित, मैं आपको बताऊं कि तस्वीर पिछले आधे घंटे में काफी बदल गई है, एनडीए की भी और बीजेपी दफ्तर की भी। बीजेपी दफ्तर पटना में जो है उनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए अचानक से अब पूरी इस हेडक्वार्टर को जो बीजेपी को सीआरपीएफ ने जो है वो चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, पूरा एक बस भर के सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ लाया गया था, और जैसे ही लगा कि अब बीजेपी या फिर एनडीए भी कॉन्टेस्ट में आ चुका है, 50-50 का मामला हो चुका है, तो यहाँ देखिए पूरे बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है सीआरपीएफ की जो है यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। हमारे साथ पुलिस कर्मी, उनसे बात करते हैं, ये बीजेपी दफ्तर के बाहर क्यों लगाया गया है सीआरपीएफ? नहीं, बीजेपी दफ्तर ही नहीं, आरजेडी और जेडीयू दफ्तर भी हम लोगों के सुरक्षा के नज़र में है,
और सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो हम लोग 24 आवर 365 दिन एक ही रंग रहते हैं, उसी कड़ी में आज भी सुरक्षा के लेकर के हम लोग अपने ऑन ड्यूटी हैं। तो यहाँ का CRPF लगाया गया है अभी? जी CRPF है, इलेक्शन का दिन है, किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व उपद्रव न करे इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को आदेश मिला है, हम लोग ऑन ड्यूटी हैं और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होने दी जाएगी। चलिए तस्वीर पलटी ने रोहित, जरा यही सवाल कैलाश विजय वर्गीय जी के पास लिए चलते हैं, आप तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए। कैलाश जी देखिए इधर अब 107-109 मामला हुआ है, केवल बीजेपी बढ़ नहीं रही है, RJD गठबंधन घट भी गया एक सीट, तो वाकई कैलाश जी लकी साबित हो रहे। तो लड्डू वड्डू की तैयारी है कि नहीं है? जी सर थैंक यू, नहीं वो तो बने ही, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हमें विश्वास था कि एनडीए की सरकार बनेगी तो लड्डू वगैरह तो हैं। कैलाश जी एग्जिट पोल देखने के बाद तो लोगों ने बंगाल के बारे में भी अभी से अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि कैलाश विजयवर्गीय मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बिहार गया तो बंगाल में आसान होगा नहीं फिर? नहीं, बिहार और बंगाल में बहुत दूरी है और बिहार की राजनीति अलग है, बंगाल की बिल्कुल अलग है, और वहाँ पर जिस तरीके की हिंसा की राजनीति है उससे लोग बहुत परेशान हैं, लगातार वहाँ हिंसा हो रही है। ठीक है, अगर सरकार आपकी बनती है, ठीक है जी, अगर सरकार बनती है 30-40 सीटों का फासला रहता है तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे कैलाश जी? ये तो हमारे हाईकमान पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक जी जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए अगर हमारे साथ, हम आपको और भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको सुनाते हैं, KC त्यागी JDU के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या वो कह रहे हैं एक बार सुनिए।